आज हम सीखने वाले हैं कन्वर्जन, मोल फ्रैक्शन इनटू मोलैरिटी। तो देखिए, ये कन्वर्जन अपन जो कर रहे हैं, ये दो डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के बीच में कर रहे हैं। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स किसके लिए डिफाइन होती है? सॉल्यूशन के लिए। और सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो हमें क्लियरली पता होना चाहिए कि विच वन इज सॉल्यूट एंड विच वन इज सॉल्वेंट, पहली बात तो ये। दूसरी बात, जब भी हम एक कॉन्सेंट्रेशन फॉर्म से दूसरी कॉन्सेंट्रेशन फॉर्म में चेंज करना चाह रहे हैं, तो हमें उन दोनों का फार्मूला क्लियर कट पता होना चाहिए। जैसे फॉर द एग्जांपल, मोल फ्रैक्शन की हम बात कर रहे हैं, तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है? किसी भी कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन द सॉल्यूशन। इसी को हम क्या नाम देते हैं? मोल फ्रैक्शन। अगर मोलैलिटी में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो मोलैलिटी का फार्मूला है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, तो सबसे पहला प्री रिक्विजिट क्या है कि हमें मोल फ्रैक्शन का फार्मूला, मोल फ्रैक्शन को हम डिनोट करते हैं एक्स से, और ये हो जाएगा मोल ऑफ कंपोनेंट, एन मतलब मोल्स, मोल ऑफ कंपोनेंट अपॉन एन टोटल। ठीक है, और मोलैलिटी का फार्मूला जो है, स्मॉल एम से रिप्रेजेंट कर दूँ मैं इसे, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट इन के जी। ठीक है, अब ये फार्मूला मुझे पता है। अब इस कन्वर्जन को हम समझने वाले हैं न्यूमेरिकल के माध्यम से। तो क्वेश्चन ये है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया इन एक्वस सॉल्यूशन इज 0.05। कैलकुलेट इट्स मोलैलिटी। तो अब सबसे पहले तो मुझे एक काम करना पड़ेगा कि यूरिया का फार्मूला हमें पता होना चाहिए, NH2CO NH2, एंड द मास ऑफ, मोलर मास ऑफ यूरिया इज 60। पहले तो ये चीज़ पता लगी। अब सॉल्यूशन को एनालाइज करते हैं कि सॉल्यूशन में हमारे पास दो कंपोनेंट है, एक तो लिखा हुआ है यूरिया और साथ में एक और सॉल्यूशन है, तो देयर मस्ट बी वाटर। ठीक है, अब हम इन दोनों में डिसाइड करेंगे कि यूरिया चूँकि सॉलिड होता है तो ये सॉल्यूट है, और वाटर सॉल्वेंट चूँकि लिक्विड होता है तो ये लिक्विड होने की वजह से क्या होगा? सॉल्वेंट। सॉलिड और सॉल्वेंट डिफाइन करने के बाद अब मुझे क्वेश्चन में मोल फ्रैक्शन यूरिया दिया हुआ था इज इक्वल टू 0.05। मोल फ्रैक्शन को हम कैसे लिखते हैं? जिसका मोल फ्रैक्शन लिखा हो उसके ऊपर मोल्स टोटल, उसके ऊपर मोल और नीचे मोल टोटल। ठीक है, अब 0.05 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5/100, या मैं इसको लिख सकता हूँ 1/20। कन्वर्जन की प्रॉब्लम में हमें स्टार्टिंग में कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा। तो अज्यूम हम करते हैं, कि मोल यूरिया के थे 1। ठीक है, अब दो मान के भी कर सकते हैं, लेकिन हमने सिंपलिसिटी के लिए इसको 1 मान के स्टार्ट किया। अगर मैं यूरिया के मोल 1 रख देता हूँ तो मोल टोटल मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ, क्योंकि इन दोनों का रेशियो है 1/20, जो क्वेश्चन में गिवन है मोल फ्रैक्शन। अगर मैं मोल यूरिया 1 रख देता हूँ तो मोल टोटल मेरे पास आ जाते हैं इज इक्वल टू 20। अब टोटल मोल में दो चीज़ों का सम होगा, मोल यूरिया प्लस मोल वाटर। सही है, अगर यूरिया मैंने 1 माना था तो मैं यहाँ से अननोन क्या रखूँगा? वाटर के मोल्स। अगर वाटर के मोल्स मैंने अननोन रखे तो ये आ जाते हैं 19 मोल, और मोल होते हैं वेट अपॉन मोलर मास वाटर का 18। इसका मतलब वेट वाटर का कितना आ जाने वाला है? 19 × 18, यह आ जाएगा 342 ग्राम। ठीक, 342 ग्राम, अगर ये आ गया वाटर, इसको मैं केजी में चेंज करूँ तो ये आ जाएगा 0.342 kg। ठीक है ना, इतना ही होगा। ये 380 में से अपन 38 माइनस करें तो 42। सही है, अब मुझे मोलैलिटी निकालनी है तो उसमें मोल ऊपर आते हैं सॉल्यूट के और वेट नीचे आता है सॉल्वेंट का, लेकिन सॉल्वेंट का वेट किस में होना चाहिए था? केजी में। क्योंकि सॉल्यूट हमने माना है यूरिया और सॉल्वेंट हमने माना है वाटर, तो मैं इसको ऐसे लिख दूं कि मोल यूरिया अपॉन वेट वाटर इन केजी। यूरिया के मोल हमने 1 माने थे और वाटर 0.342, ये। और आंसर लिखते समय इसके साथ एक स्मॉल एम लगा देंगे हम, तो स्मॉल एम जो है वो हमें ये बता देगा कि यहाँ से जो है ये मोलैलिटी 1/342। ठीक, चलिए।